अब मैं आपको बताऊंगा तो आप हंस पड़ेंगे कि मैं जब पहुंचा तो मैं मेरी जेब में राइफल वो पिस्टल थी और पिस्टल में हर वक्त जेब में पिस्टल रखता था जब मैं पहुंचा था। अच्छा, ये जब 87 में आप पहुंचे? जब 87 में, राइट। तो ये मेरी शख्सियत थी। अब मैं किसी को बताता हूँ तो उसको हंसी आ जाती है, आप पिस्टल रखते हो। तो पिस्टल के साथ में मूछें भी रखता था। अच्छा, तो मुझे किसी ने बताया कि मुर्शिद जो कहे वो मानना पड़ता है। तो मैंने कहा इन्होंने किसी दिन मेरी मूछों का कह दिया ना तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। तो मैंने सोचा, मैंने फैसला कर लिया कि मैं माजरत कर लूंगा, मैं कह दूंगा कि ये वो मैं नहीं मान सकता। लेकिन आपने मूछों का लफ्ज भी नहीं अदा किया और मुझे पता नहीं मूछें कहाँ गई। तो ये इतनी बड़ी तब्दीली आ गई, यानी कि मैं एक मर्दानगी का नमूना था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पिस्टल जेब में है, मूछें रखी हुई हैं। तो आप इस पे भी एक, लेकिन बाबा हुजूर से मुलाकात के बाद जब मैं एक ऑफिस में गया तो वहाँ एक सेक्रेटरी काम करती थी। तो वो चंद दफा मुझे मिली तो एक दिन कहती है कि मैंने इतना पोलाइट बंदा नहीं देखा। नहीं, हम भी आपको पोलाइट मानते हैं आज तक। लेकिन उसका मैं खुशी से फूल गया। लेकिन उसका अगला जुमला भी सुन ले, उसने कहा कि मैंने इतना पोलाइट बंदा नहीं देखा लेकिन मर्द को मर्द तो होना चाहिए। वाह वाह वाह। मुझे रोना आ गया। मैंने कहा काश इस बीबी ने मुझे उस हुलिये में देखा। मामला कुछ और है जी, वो गुलाब में आ गया सर।